राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन के बाहर विजय चौक पर संवाददाताओं से कहा कि आज बहुत दुखद दिन है। हम जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने दुर्घटना में जान गंवाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सदन में सरकार की ओर से बयान हुआ और श्रद्धांजलि दी गई। उपसभापति की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। विपक्षी दलों के सदन के नेताओं का कहना था कि हम भी 2-2 मिनट या 1-1 मिनट अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें, लेकिन सरकार और आसन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उच्च सदन में सरकार और आसन ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विपक्षी नेताओं को समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बाकी विषय राजनीति है, लेकिन ये राष्ट्रीय विषय है और CDS जैसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना था, इसके लिए भी समय नहीं मिलता तो फिर यह सदन कैसे चलाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। भगवान ऐसी सरकार को सद्बुद्धि दे। हम सब लोग, सभी पार्टी के कोर लीडर्स ने मीटिंग की जो कल बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो बिपिन रावत जी का और उनके साथ जो और 15 लोग सोल्जर्स, टोटल 13 लोग और उनकी पत्नी का भी उसमें देहांत हुआ। हम सभी दुख प्रकट करते हैं और ये बहुत बड़ा देश के लिए एक नुकसान हुआ है। हम हमेशा देश के हित में सभी पार्टियां काम करते हैं, इसमें कोई वो पार्टी, ये पार्टी, रूलिंग पार्टी, ऐसा कोई सवाल नहीं होता। खड़गे ने यह भी कहा कि हम जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और घायल अधिकारी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।